हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क टू में वोकैबुलरी के वो वर्ड्स जो बार बार यूज होते हैं, रिपीटेड वर्ड्स। और हम बच्चों के पास तकरीबन एक ही वर्ड होता है जो बार बार हम लिखते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बैंड स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही वर्ड को रिपीट करते रहते हैं। और मैं आज आपको वो वर्ड्स बताऊँगा उसके साथ जो उसके सिमिलर वर्ड्स हैं, जिनमें से आप कुछ वर्ड्स आप यूज कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड है उस सेम वर्ड उसको हर जगह पे फिट कर देना है, उसको यूज करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो वर्ड कहाँ पे फिट बैठता है। लेकिन पहले हमें कुछ पता होना चाहिए उसके सिमिलर वर्ड्स हैं कौन कौन से। ए टू जेड मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता जाऊंगा, कुछ इस वीडियो में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अडल्ट। अडल्ट मीन्स जो 18 साल से ऊपर है, ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स। और जैसे हम कह सकते हैं, जैसे माइनर होता है जो 18 साल से कम, और मेजर जो होता है 18 साल से ऊपर, अडल्ट और ग्रॉनअप्स। दूसरा है बिजी। बिजी के लिए भी वही वर्ड बार बार लिखते रहते हैं बच्चे, बिजी बिजी बिजी। और उसके लिए हम क्या वर्ड और कौन से सिमिलर वर्ड कौन से, एंगेज्ड, ऑक्यूपाइड, एम्प्लॉयड। नंबर थर्ड कंसील, हाइड, वेल, पर्दा, पर्दा होता है वेल, पर्दा, जैसे पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। नंबर फोर चिल्ड्रन, बच्चे। यहां पर ये वाला वर्ड तो बहुत बार यूज होता है टॉपिक में, बार बार लिखा होता है चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया होता है। तो उसके सिमिलर वर्ड्स हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको यूज करो। क्या है, ऑफस्प्रिंग, यंगस्टर्स, यंग चिल्ड्रन, यंग अडल्ट्स, टॉडलर्स, इन्फेंट्स। जैसे बात करते हैं यंगस्टर्स, नौजवान, यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चे, यंग अडल्ट्स युवा, टॉडलर्स अ यंग चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, इन्फेंट्स वेरी यंग चाइल्ड और बेबी छोटा बच्चा। यहां पर एक दिक्कत जरूर आती है, जिन बच्चों को इन वर्ड्स के बारे में पता है वो कई बार यूसेज में गलती कर जाते हैं। यूसेज में गलती क्या हो जाती है कि मान लो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, टॉपिक आ गया कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, तो वर्ड कई बार वो इन्फेंट्स लगा जाते हैं। और इन्फेंट्स क्या है, अ वेरी यंग चाइल्ड, एक बेबी, छोटा सा बेबी जिसको पता ही कुछ नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ उस वर्ड को इन्फेंट को लगा के यूज कर देते हैं। ठीक है ना, कि इन्फेंट्स नॉर्मली यूज टेक्नोलॉजी, सो इन्फेंट कैसे करेगा, बहुत छोटा बच्चा है वो कैसे यूज करेगा। सो इस चीज का ध्यान रखना है जब आपने वर्ड यूज करना है, तो वर्ड को देखते हुए कि कहां पे कौन सा वर्ड फिट बैठता है उसको यूज करना है। जैसे यहां पर आ गए छोटे बच्चे, यहां पर आ गए यंगस्टर्स, नौजवान, कि जो नौजवान है आजकल मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, नौजवान है जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो वो वर्ड जो फिट बैठता है उसके लिए आपको वर्ड को यूज करना है। नेक्स्ट है डिक्रीज, ड्रॉप, डिक्लाइन, रिड्यूस, डिमिनिश, मिनिमाइज, मतलब कम। एक्सपर्ट, इसके रिगार्डिंग बड़ा अच्छा वर्ड्स हैं, एक्सपर्ट, ये आप राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में यूज कर सकते हो। एक्सपर्ट, डेप्थ, स्किलफुल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, स्किल स्पेशली विद हैंड्स। नेक्स्ट है फेटल, डेडली, फेटल मींस घातक, डेडली घातक, लीथल जानलेवा। सो इसके लिए ये सिमिलर वर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे गुड, गुड कहने की बजाय जब आप स्पीकिंग भी करते हो, लिखते भी हो, तो स्पीकिंग भी करते हो, तो गुड कहने की बजाय थोड़ा कन्विंसिंग वर्ड अगर हम यूज करेंगे, वंडरफुल, इंप्रेसिव, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। सो इन वर्ड्स को अगर आप यूज करोगे, ये ज्यादा कन्विंसिंग वर्ड्स हैं, ये ज्यादा बैंड स्कोर आपको लेकर देंगे अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। हेल्प, हेल्प, असिस्ट, कई बार आप फोन पे सुनते हो जब आप किसी को कॉल करते हो, कंपनी कस्टमर केयर को कॉल करते हो, वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हाउ मे आई असिस्ट यू। ठीक है, तो हेल्प के बदले उन्होंने क्या यूज किया, असिस्ट, एड। इंक्रीज, राइज, ग्रो, स्केलेट, अपसर्ज, ये ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप इनको यूज करते हो, कोशिश करो इनको प्रैक्टिस करने की, इनकी लर्न करने की। एक वर्ड के साथ मैंने दो से ज्यादा वर्ड दिए हैं, यानी ए से लेके अभी आई तक 10 वर्ड्स हैं, और इसके रिलेटेड 2 से 3 वर्ड्स दिए हैं। 10 वर्ड्स ये हो गए, 2 से 3 वर्ड ये हो गए, अगर मान लो 20 से 30 वर्ड ये हो गए, तो यानी आपके आसपास 40 वर्ड की वोकैबुलरी हो गई अगर आप इसको याद करते हो तो।
30 से 40 वर्ड आपके 3 या 4 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, फिर उसके बाद सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनको यूज करना है। हर जगह पे नहीं फिट करते जाना हर एक वर्ड को, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स हैं पर इनका मीनिंग ये नहीं है कि हर जगह पे फिट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी इन्फेंट और चिल्ड्रन के बारे में बताया। तो आपको याद करके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको यूज करना है। और ये इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, कल 10 और नए वर्ड दूंगा जो आए से आगे वाले स्टार्ट होंगे, 10 नए वर्ड्स होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।